हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख अब हमारे बीच नहीं रहे, तो आज का वीडियो इसी विषय पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिल्खा सिंह का जन्म पाकिस्तान में 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा के एक सिख परिवार में हुआ था। खेल से ज़्यादा लगाव के कारण मिल्खा सिंह भारत आ गए और भारतीय सेना में शामिल हो गए। ही इज़ द ओनली एथलीट टू विन गोल्ड इन 400 मीटर रेस एट द एशियन गेम्स एज वेल द कॉमनवेल्थ गेम्स। ही ऑल्सो वॉन गोल्ड मेडल इन द 1958 एंड 1962 एशियन गेम्स। ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 1956 समर ओलंपिक्स इन मेलबर्न, द 1960 समर ओलंपिक्स इन रोम एंड द 1964 समर ओलंपिक इन टोक्यो। ही वॉज अवार्डेड द पद्मश्री इंडियाज फोर्थ हाइएस्ट सिविलियन ऑनर इन रिकग्निशन ऑफ हिज स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख नाम कैसे मिला। मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान में आयोजित एक दौड़ में हिस्सा लिया था, जिसमें पाकिस्तान के जनरल अयूब खां भी आए थे। उन्होंने उनकी रनिंग को देख के उन्हें द फ्लाइंग सिख नाम दिया। अभी हाल ही में 13 जून को शाम 4 बजे इनकी पत्नी निर्मल कौर का निधन हो गया था। वे 85 साल की थी। निर्मल भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान रह चुकी थी, साथ ही वे पंजाब सरकार में स्पोर्ट डायरेक्टर के पद पर भी रही थीं। आईसीयू में भर्ती होने के कारण मिल्खा सिंह पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे। मिल्खा सिंह के जीवन पर साल 2013 में बॉलीवुड हिंदी फिल्म भाग मिल्खा भाग बनी थी। वे कहते थे, जितनी भूख हो उससे आधा खाइए, क्योंकि बीमारियाँ पेट से शुरू होती हैं। खून शरीर में तेजी से बहेगा तो बीमारियाँ बहा देगा। मिल्खा सिंह का देहांत 18 जून 2021 को चंडीगढ़, भारत में 91 की उम्र में हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। थैंक यू।